हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। आज हम इमली की चटनी बनाएंगे फ्रेंड्स। इसको हम चाट के साथ स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। इसको दही वड़ा हो या फिर पानी पूरी, सेव पूरी, पकोड़े, तो कई जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका टेस्ट ही बहुत ही लाजवाब होता है। तो इसको बनाना सीखना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाया कैसे जाता है और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं। वैसे मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें एक लीटर जितना मैंने पानी ऐड किया है उसको गर्म करेंगे। जब ये बॉयल हो जाता है तब हम इसमें आधा कप जितनी खजूर डालेंगे। यहाँ पर 3 से 4 घंटे मैंने इमली सोक की थी उसको डालेंगे हाफ कप, और गुड़ डालेंगे हाफ कप जितना। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे एकदम गरम करना है इसको 15 मिनट्स के लिए। जब ये एकदम अच्छे से गरम हो जाए हम गैस को बंद कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। देखिए ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको पेस्ट बनाएंगे इसका, तो ग्राइंड कर लेंगे हम इसको एकदम अच्छे से। देखिए एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको स्ट्रेन करेंगे, इसको छान लेंगे एक बड़ी छलनी की सहायता से। छानने के लिए देखिए हमने ये छलनी लिया क्योंकि इससे सारे जो रेशे हैं इमली के वो सब निकल जाते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम ये जो पेस्ट तैयार हुआ है उसको हम फ्राई करेंगे। इट्स ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। इसके लिए कढ़ाई में हम घी लेंगे हाफ टेबल स्पून। गरम होने पर इसमें हाफ टेबल स्पून जितना जीरा डालेंगे और फिर जो पेस्ट तैयार किया हमने चटनी के लिए उसको ऐड कर लेंगे। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखना है। यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है 1/4 टेबल स्पून। नमक स्वादानुसार बट कम ही यूज़ किया है मैंने। और यहाँ पर काला नमक लिया है 1/4 टेबल स्पून। चाट मसाला 1/4 टेबल स्पून, इसको मैं स्प्रिंकल करूंगी इसके ऊपर। अब इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें उबाल आने के लिए हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे ही गरम करेंगे और जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाती या फिर ये आधी नहीं हो जाती इसको हम लोग कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए हमारी चटनी एकदम तैयार हो चुकी है, बहुत ही डिलीशियस लग रही है। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस एंड कमेंट आल्सो। थैंक यू।